वुमेन्स प्रीमियर लीग के महामुकाबले में फाइनलिस्ट बन चुकी है मुंबई की टीम। जी हां, महिला प्रीमियर लीग 2023 को अपना दूसरा फाइनलिस्ट भी मिल गया है। डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई ने यूपी को 72 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही मुंबई और दिल्ली के बीच खिताबी भिड़ंत होना तय हो गया है। एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई की स्टार बल्लेबाज नेट सीवर ब्रंट ने तूफानी 72 रनों की पारी खेली। वह गेंदबाजी में इशी वोंग का जलवा जहां वहीं, और उन्होंने इस महत्वपूर्ण मुकाबले में हैट्रिक समेत 4 विकेट झटके। अब 16 मार्च का महिलाओं का प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। आपको बता दें, महिला प्रीमियर लीग 2023 को अपना दूसरा फाइनलिस्ट बड़े अच्छे अंदाज में मिला। मुंबई ने यूपी को 72 रनों से हार का सामना कराया। इस जीत के साथ ही मुंबई और दिल्ली के बीच खिताबी भिड़ंत होगी। आपको बता दें कि यूपी को कहीं ना कहीं 8वां झटका लगा था, और दीप्ति शर्मा जब आउट हुई थी तो मुकाबला पूरी तरीके से पलट गया था। तो पूरी जानकारी आपको दे स्कोर कार्ड की, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। मुंबई की टीम ने पहले बल्लेबाजी करी थी, टॉस जीती थी वैसे तो यूपी की टीम, लेकिन प्लेइंग 11 जो थी यहां पर मुंबई की, उसमें हायली मैथ्यूज, यष्टिका भाटिया, नेट स्केवर, हरमनप्रीत कौर, मैली केर, पूजा वस्त्रकार, ईसी वोंग, अमनजोत कौर, हुमैर काजी, जिंतीमानी कालिता, साइका शौक हमें देखने को मिले। तो यूपी की प्लेइंग 11 में अलाई साहिली, श्वेता शहरावत, सिमरन शेख, ताहिला मैग्रेथ, ग्रेस हैरिस, किरण नेविगेरिय, दीप्ति शर्मा, सोफी एसलस्टन, अंजलि शेरवानी सरवानी, और साथ ही साथ यहां पर पाशावी चोपड़ा, राजेश्वरी गायकवाड़ हमें देखने को मिले। अब यहां पर मुंबई की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 182 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाए, जिसमें सबसे ज़्यादा बनाए नेट स्केवे ब्रंट ने 38 गेंद में 72 रन, तो वहीं मैली केर ने लास्ट में 5 चौके लगाए थे, 19 गेंद में 29 रन इन्होंने बनाए। हायली मैथ्यूज ने 26 गेंद में 26, यष्टिका भाटिया ने 18 गेंद में 21, हरमनप्रीत कौर ने 15 गेंद में 14 रन, और पूजा वस्त्रकार ने लास्ट में 1 चौका 1 छक्का लगाया था, 4 गेंद में 11 रन बनाए थे। एसलस्टन ने 4 ओवर में 39 रन देकर 2 विकेट चटकाए, तो चोपड़ा और सरवानी को 1-1 विकेट मिला। वहीं यूपी की टीम जब यहां पर चेस करने उतरी तो 110 रन पर ही ऑल आउट हो गई थी 17.4 ओवर में। सबसे ज़्यादा रन इनकी तरफ से किरण ने बनाए थे, किरण ने यहां पर 27 गेंद में 43 रन की पारी खेली। इनके अलावा कोई कुछ ज़्यादा खास कर नहीं पाया। दीप्ति शर्मा ने 20 गेंद में 16 रन बनाए, तो ग्रेस हैरिस ने 12 गेंद में 14 रन बनाए। तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए, इजी वोंग ने हैट्रिक ली थी। जी हाँ, जब वो 13वां ओवर डालने आई थी मैच का, तो 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर किरण को आउट किया, फिर तीसरी गेंद पर सिमरन शेख को, फिर चौथी गेंद पर सोफी एसलस्टन को। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो ये विकेट थे, कैच आउट ही थे यहाँ पर। जिस तरीके से सिमरन और सोफी का तो विकेट चटकाया था, किरण को कैच आउट कराया था, और बाकी सोफी और सिमरन को बहुत शानदार तरीके से विकेट करके चलता किया। इसी वोंग ने 4 ओवर में 15 रन देकर 4 विकेट चटकाए, और साइका इशाक ने 2 विकेट, 1-1 विकेट हायली मैथ्यूज, कलिता और स्केवर ब्रंट को भी मिलता नजर आया। तो इस तरीके से 72 रन से मुकाबला जीत गई। अब दिल्ली और मुंबई के बीच फाइनल मुकाबला होगा। देखते हैं खिताबी मुकाबला कौन जीत पाता है। बने रहें चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।